एक शीट मिली अभी आपको, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज कॉपी पे सॉल्व करो, इसका पहला क्वेश्चन कैसे करोगे?
ओके कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया, कितने लोग हैं जिनसे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व? बहुत बढ़िया यार, कमाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ओके देखे हुआ? अच्छा बिना देखे हुआ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चार्जेस गिवन है। देखो प्लीज, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चार्जेस गिवन है, स्मॉल क्यू एंड 2q, ये रहा दो चार्जेस गिवन है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d। क्वेश्चन है कि मैं एक चार्ज कैपिटल Q को कहां रखूं सच दैट नेट फोर्स छोटे Q के ऊपर एंड नेट फोर्स 2q के ऊपर क्या हो जाए, जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि स्मॉल क्यू को फोर्स लगाएगा कौन, क्योंकि अगर मुझे इस पे नेट फोर्स जीरो करनी है तो इसको कौन फोर्स लगाएगा, एक कैपिटल क्यू लगाएगा और एक 2q लगाएगा। कैपिटल क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, और 2q भी इसे क्या करेगा, रिपेल। अब दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो फिर कैंसिल कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स जीरो हो नहीं पाएगी, एक राइट तो दूसरा लेफ्ट होना जरूरी है। तो फिर आप अपने हिसाब से ये सोचोगे कि जो चार्ज रखा वो चार्ज पॉजिटिव से तो आंसर नहीं आएगा, एक काम करते हैं इमेजिन करते हैं कि ये चार्ज नेगेटिव क्यू है, चेक करते हैं, ये खुद ही सोचना है आपने। तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो एक राइट और एक लेफ्ट। अब ये बोल सकते हैं कि अगर ये मैग्नीट्यूड इसके इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब कैपिटल क्यू पॉजिटिव के साथ तो बात नहीं बनेगी, कैपिटल क्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। ये आपने सोचना है ट्राई करके, राइट, प्रैक्टिस से पता लग जाएगा आपको, ऐसे नहीं कि वो क्वेश्चन में देगा, आपको खुद सोचना है कि इट शुड बी नेगेटिव, तभी बात बनेगी। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ताकि एक वेक्टर राइट और एक लेफ्ट हो जाए। तो इस केस में ये एक्स है, तो ये मान लो डी माइनस एक्स है, तो माइनस क्यू इस क्यू को अट्रैक्ट करेगा 1/4πε0, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस नहीं लेना, एक्स स्क्वायर, और ये 2q इस क्यू को रिपेल करेगा 1/4πε0 क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, डी, तो 2q क्यू को इतनी फोर्स से रिपेल करेगा। सॉल्यूशन में करेक्शन कर लेना, यहां पर 2 नहीं लगा हुआ, यहां 2 लगा लेना प्लीज। देखो ना 2q क्यू को रिपेल करेगा, क्यू इंटू 2q आना, 2 लगा लेना, यहां 2 मिसिंग है, 2 लगा लो, करेक्शन करो। ठीक, तो फिर से एक बार देखो प्लीज, माइनस क्यू इस क्यू को अट्रैक्ट करेगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और 2q इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा 1/4πε0 क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, 2 लगा लेना। ऐसे ही इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आनी चाहिए, तो ये माइनस क्यू इसे अट्रैक्ट करेगा 1/4πε0 क्यू इंटू 2q डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऐसे क्यू 2q को रिपेल करेगा 1/4πε0 क्यू इंटू 2q बाय डी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली अगर नेट फोर्स जीरो करनी है तो लेफ्ट की फोर्स राइट की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स और राइट की फोर्स इक्वल, ये स्टेप क्लियर है। तो इसकी नेट फोर्स जीरो का मतलब दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, इसकी नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, 2 लगा लेना प्लीज यहां पे। ठीक, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका राइट हैंड साइड भी सेम आएगा, तो इनका राइट हैंड साइड इक्वेट कर दें, टर्म्स कैंसिल हो गई, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ये टर्म इससे, तो ये टर्म बच गई, अंडर रूट लेंगे 1/x आएगा, रूट 2 आएगा, डी माइनस एक्स आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, स्मॉल x की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो रूल समझ में आया कि नेट फोर्स जीरो कैसे करना है, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक बोलो। जो गिवन होता है वो तो पॉजिटिव ही होता है, जो आपने इमेजिन करना है पुट करो उसके बारे में कह नहीं सकते, वैसे कई केस निकल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम इस असाइनमेंट के दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नेक्स्ट आपसे आगे नहीं होंगे, तो आपने बेसिकली क्या करना है कि अभी तक एक तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1 पेंडिंग है, वो नेक्स्ट टाइम खत्म कर दूंगा, फोर्स का चैप्टर नेक्स्ट टाइम खत्म होगा, क्योंकि अब एक लेवल चल रहा है, अभी तक पॉइंट चार्जेस हैं, अगली बार मैं बॉडीज लेके आऊंगा जिसमें इंटीग्रेशन यूज होंगी थोड़ी सी,
तो फोर्स क्लियर करेंगे, अपने रजिस्टर्स प्लीज बना के लाना, रजिस्टर्स नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, और टेस्ट के लिए भी रेडी रहना प्लीज।